Commandering, today we are going to discuss about semen processing, semen handling. सबसे पहले तो सीमन क्या है? We know कि सीमन is a vehicle, सीमन is a fluid, सीमन is composed of two components, that is spermatozoa and seminal plasma. तो सीमन में दो चीजें आ जाती हैं, एक स्पर्म्स और दूसरा सेमिनल प्लाज्मा. दीज आर द स्टेप्स ऑफ द सीमन प्रोसेसिंग. सबसे पहले सीमन को डाइल्यूट करते हैं. क्यों करते हैं उसके लिए, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. देन पैकेजिंग, प्रिजर्वेशन यानी स्टोरेज एंड इंसेमिनेशन. सबसे पहले आता है सीमन प्रोसेसिंग के अंदर डाइल्यूशन, और द सीमन डाइल्यूशन और द एक्सटेंशन. एज द वर्ड इंडिकेट्स, क्योंकि लफ्ज हमसे जो है वो खुद बातें कर रहे हैं, लफ्ज हमें बता रहे हैं कि डाइल्यूशन का मतलब है कि सीमन को हम पतला करेंगे या उसके वॉल्यूम को हम बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे. अच्छा, डाइल्यूशन क्या है? दिस इज द एडिशन ऑफ सुइटेबल मीडिया टू द सीमन फॉर सर्टेन रीजंस. वो कौन से रीजंस हैं? नंबर वन, टू इंक्रीज द सीमन वॉल्यूम. क्योंकि हमें पता है जब सीमन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स को हम इंसेमिनेट कर सकेंगे, यानी डोजेस जो हैं वो हम ज्यादा बना पाएंगे. ठीक. दूसरी चीज है टू सप्लाई प्रॉपर सब्सटेंसेस टू प्रोटेक्ट स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द टेम्परेचर. और इसके साथ साथ हम सीमन को इसलिए भी डाइल्यूट करते हैं ताकि हम उसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड कर सकें, जैसे ग्लाइसिरोल हो गया, जो कि उसको जो टेम्परेचर के इफेक्ट्स हैं, जैसे कि कोल्ड शॉक इंजरी हो गई, उससे सीमन को महफूज रख सकें. ठीक है, क्योंकि सीमन के अंदर एक लिविंग बॉडी पाई जाती है और उस लिविंग बॉडी का नाम क्या है? स्पर्म. एक्सीलेंट. तीसरा जो फायदा है सीमन प्रोसेसिंग का, में डाइल्यूशन का, सीमन प्रोसेसिंग में किसका, डाइल्यूशन का, वो ये है कि इससे हम क्या करते हैं कि जो स्पर्म्स की जो फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी है उसको हम इम्प्रूव करते हैं. How? By decreasing capacitation time. Now the question is, what is capacitation? जी, कौन बताएगा? तो capacitation क्या है? The process of conversion of non-motile sperms to motile sperm. तो ये भी हम by the process of dilution करते हैं, और ये किस तरह करते हैं? By the addition of an enzyme. Enzyme की help से करते हैं. ठीक है, कौन सा enzyme होता है जो capacitation को decrease करता है? अमाइलेज. ओके. अच्छा, डाइल्यूटर की प्रॉपर्टीज कौन सी होनी चाहिए, यानी जो डाइल्यूटर है, डाइल्यूटर मींस जो डाइल्यूट करे, समझो था पुटर गाल के, डाइल्यूटर यानी जो डाइल्यूट करे, उसको पतला करे या उसकी वॉल्यूम को बढ़ाए, उसके मतलब किसके? सीमन के वॉल्यूम को, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सीमन. ठीक है बाबा. तो डाइल्यूटर आइसोटोनिक होना चाहिए विद द सीमन. Diluter should be isotonic with the semen, just like sodium citrate. जैसे sodium citrate है बेटा, ठीक है, उसमें ये अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो isotonic होता है with the semen. Diluter में buffering capacity होनी चाहिए, like tris, like sodium citrate, etc. As well as diluter must be able to protect the sperm from cold shock injury. यानी वो sperm को जो टेम्परेचर के जो इफेक्ट्स हैं, स्पेशली फ्रॉम द कोल्ड शॉक इंजरी, उससे महफूज रखे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, जैसे हम उसको कूल करें. क्योंकि अगर कोल्ड शॉक इंजरी होगी तो बेटा स्पर्म जो है वो मर जाएंगे और हमारा नुकसान होगा. और इसके लिए हम क्या करते हैं, डाइल्यूटर के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सीमन, ड्यूरिंग द डाइल्यूशन प्रोसेस, हम उसमें एग याक को एड करते हैं. एग याक में ऐसा क्या होता है? एग याक में होती है प्रोटीन्स, ग्लाइको प्रोटीन्स, दीज आर द लेसिथिन एंड lipoproteins. Is it okay? Which protect the sperm from cold shock. Must be
न्यूट्रिटिंग एजेंट्स, यानी जो डाइल्यूटर हो वो गिजा भी तो दे, यानी स्पर्म बिकॉज इट इज अ लिविंग बॉडी, तो जिंदा जिस्म को खुराक चाहिए, भले वो एक सेल हो। डू यू नो, जब आप खाना खाते हैं तो मसलन आपने ब्रोस्ट खाया, बर्गर खाया एक्सेट्रा, तो क्या वो सिर्फ आप अपने मुंह के लिए खाते हैं? नहीं, चलो उनको थोड़ा टेस्ट देने के लिए, बट वो जो चीज आप खाते हैं वो चीज आपके हर सेल तक पहुंचती है। समझो था गाल के? इवन यहां पर एक टिप ऑफ द फिंगर है, यहां पर बहुत सारे सेल्स हैं, तो वो चीज कन्वर्ट होकर मेटाबोलाइज होकर यहां तक भी आती है। तो फूड इज नेसेसरी फॉर अ लिविंग बॉडी, क्योंकि स्पर्म लिविंग है तो उनको भी हम न्यूट्रिएंट एजेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि एग याक हो गई, मिल्क, शुगर एटसेट्रा। ठीक है, उसके साथ साथ डाइल्यूटर जो है, जब आप सीमन को हैंडल करेंगे, अब सीमन को हैंडल कौन कौन कर रहे हैं? सीमन को आपकी सारी क्लास 2K20 की हैंडल कर रही है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग सबके हाथ लग रहे हैं, तो कंटेमिनेशन के चांसेस हैं। तो उस कंटेमिनेशन को कोप करने के लिए, उससे बचने के लिए आपने उसमें जो है वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी ऐड करने होंगे, ठीक है, विच विल प्रोटेक्ट द सीमन फ्रॉम द माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, जैसा कि जेंटामाइसिन है, टेलोसिन है एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन एटसेट्रा। ठीक, और स्पर्म को फ्रीजिंग एंड थाइंग इफेक्ट से बचाना चाहिए। हमने आपको अगर याद हो तो क्रायो प्रिजर्वेशन में पढ़ा था ये, और हम उनको किस तरह बचा सकते हैं फ्रीजिंग और थाइंग इफेक्ट से, बाय एडिंग ग्लाइसरॉल, बिकॉज ग्लाइसरॉल इज द क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट। एंड डू यू नो कि ग्लाइसरॉल जो था पहले किस में यूज किया गया था? बोवाइन में, पहले बोवाइन के अंदर यूज किया गया था, एंड अंटिल 1959, उसके बाद जो है इक्वाइन में ग्लाइसरॉल को जो है इक्वाइन सीमन के अंदर यूज किया गया। ठीक है, डाइल्यूटर के कंपोनेंट्स, डाइल्यूटर इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, एक है सर्टेन कंपोनेंट्स, सर्टेन में ये वाली चीजें आ जाती है, सबसे पहले पानी। बेटा पानी तो चाहिए, इवन ये बच्चियां आटा जो है वो कल करती हैं, घूमती हैं, तो उसके लिए भी डाउइंग करती हैं, तो आपको पानी चाहिए, पानी के सिवाय काम नहीं हो सकता। हाँ, अमीर जाती हूँ जन भी गाला, जो आयल में भी करे, टोगोन भी गाला, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो भी एक किस्म का क्या है, सॉल्वेंट है। तो वाटर, दैट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो वाटर को हम यूज करते हैं टू डिजॉल्व द सॉलिड मटेरियल्स ऑफ द सीमन। दूसरी चीज एनर्जी सोर्स, वो डिस्कस करके आए हम, एनर्जी सोर्स, और एनर्जी सोर्स क्या है वो? मोनोसैकेराइड्स हो गए बेटा, ठीक है, अमाइनो एसिड्स हो गए, ग्लाइसरॉल हो गया, डाइसैकेराइड हो गया, ठीक है, एंड ग्लाइसरॉल। तीसरी है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस एंड बफर्स, जैसे सोडियम सिट्रेट, फॉस्फेट एंड ट्रेस। समझ रहे हैं बेटा बात को? क्योंकि कोई भी ये आप डाइल्यूट कर रहे हैं ना, ये तो सीमन है, लेकिन आपको पता है आप इवन जो आप निवाला लेते हैं मुंह के अंदर, तो उसको भी बफर करती है कौन? सलाइवा आपकी, 10 से ज्यादा काम करती है सलाइवा आपकी, उसको जो है वो अपना डाइल्यूट करती है, उसको बफर बनाती है, कि अगर उसके कुछ टॉक्सिक इफेक्ट हैं तो उनको कम भी करती है। तो लाइकवाइज डाइल्यूटर जो होना चाहिए वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी होनी चाहिए एज वेल एज बफर। चौथी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डाइल्यूटर जो होने चाहिए उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेसिथिन एंड लिपोप्रोटीन्स, व्हिच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द एग याक, वो क्या करते हैं? वो सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सीमन। अच्छा, ऑर्गेनिक, अच्छा, बफर्स, सिट्रेट, फॉस्फेट, ट्रिस, बफर्स क्या करते हैं? पीएच को मेंटेन करते हैं बेटा, एज वेल एज दे हेल्प टू सॉल्व द लिपिड ग्रेन्यूल्स फ्रॉम एग याक एंड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पर्म इन फीमेल जेनिटेलिया, और साथ में ये बफर फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि स्पर्म एक लिविंग बॉडी है और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है फर्टिलाइजेशन, तो उस फर्टिलाइजेशन को फैसिलिटेट करने के लिए इनकी स्पीड को तेज करना पड़ेगा, ताकि ये फीमेल बॉडी के अंदर जैसे ही इंटर हो तो ये दौड़ लगा लें, खोसन वाली दौड़ शुरू करे जन। ठीक है,
दूसरी चीज है डाइल्यूटर कंपोनेंट, एक था सर्टेन, दूसरे कंपोनेंट दूसरा पार्ट है क्या, एडिटिव। एडिटिव मींस समझ रहे हैं, एडिटिव, यस यस यस, जिसमें एंटीबायोटिक्स, एंजाइम जैसा कि कैटालेज हो गया, ठीक है। कैटालेज क्या करता है, कैटालेज जब आप सीमन को प्रोसेस करते हैं तो सीमन की प्रोसेसिंग के टाइम पर आप उसमें अमाइनो एसिड भी ऐड करते हैं, तो अमाइनो एसिड टूटते भी हैं, तो जब अमाइनो एसिड की टूटते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अच्छा, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो टॉक्सिक कंपाउंड है, ठीक है। अब इसके टॉक्सिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कैटालेज एंजाइम करते हैं। ये कैटालेज क्या करता है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि ये इसको वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। इज इट ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। और अमाइलेज भी हम ऐड करते हैं टू डिक्रीज द कैपेसिटेशन टर्म। तो एंजाइम्स की एडिशन, एंटीबायोटिक्स की एडिशन, ठीक है। तीसरी चीज है हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा बेटा, क्या करेगा ऑक्सीटोसिन, यस इट विल इंक्रीज द कॉन्ट्रेक्शंस। किसकी कॉन्ट्रेक्शंस को इंक्रीज करेगा, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की, यानी सीमन जैसे ही फीमेल जेनिटेलिया में एंटर होगी, अम्मा कायनात कायनो, तो जैसे ही सीमन फीमेल जेनिटेलिया के अंदर एंटर होगी तो उस सीमन के अंदर क्योंकि ऑक्सीटोसिन है तो वो ऑक्सीटोसिन बेटा क्या करेगा, वो ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रेक्शंस को इम्प्रूव करेगा, और जब कॉन्ट्रेक्शंस ज्यादा होंगी तो स्पर्म जो हैं वो इजीली अपनी जगह पर, यानी उनकी जगह क्या है, यानी कि फर्टिलाइजेशन साइट, वहां पर इजीली पहुंच सकेंगे, ठीक है। डाइल्यूटर कंपोनेंट्स में दूसरी चीज आती है बेटा विटामिन्स की, लाइक B1 व्हिच इज सिनर्जेटिक विद द एंटीबायोटिक एक्शन, ठीक है। नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइल्यूशन रेट, सबसे पहले आती है एनिमल स्पीशीज बेटा, एनिमल टू एनिमल जो है वो वेरी करता है, ये भी एक फैक्टर है। जाहिर सी बात है सब जानवरों की सीमन एक जैसी नहीं होती, समझ रहे हैं बेटा बात को। सीमन प्रॉपर्टीज, प्रोग्रेसिव मोर्टलिटी परसेंटेज एंड स्पर्म कंसंट्रेशन, ये भी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है सीमन प्रोसेसिंग को। इंसेमिनेटिंग डोज, आप कितना डोज, मिनी स्ट्रॉ बना रहे हैं, मीडियम बना रहे हैं, कौन सा बना रहे हैं। टेम्परेचर ऑफ द सीमन प्रिजर्वेशन, जब आप सीमन को प्रिजर्व कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर क्या है, फॉर एग्जाम्पल इन डीप फ्रीजिंग प्रिजर्वेशन। अच्छा, टेम्परेचर बेटा ऑफ द सीमन प्रिजर्वेशन, फॉर एग्जाम्पल इन डीप फ्रीजिंग प्रिजर्वेशन विद ऑप्टिमम कंडीशंस अप्रोक्सीमेटली 20-30% स्पर्म डाई। अब समझ रहे बात को, यानी टेम्परेचर का इतना इफेक्ट है। बाबला राबेले इंजे अरबेले पासे में जो कोविड हुआ, अच्छा टेम्परेचर जो है बेटा सीमन प्रिजर्वेशन का, स्पेशली अगर डीप फ्रीजिंग कर रहे हैं तो उसमें आप अगर देखें कंडीशंस भी ऑप्टिमम हो, फिर भी 20-30% स्पर्मेटोजोआ मर जाते हैं, तो यह भी एक बड़ा फैक्टर है यानी टेम्परेचर वाला। अच्छा, सीमन कैनिंग और पैकेजिंग अगर आप देखें कैसे करते हैं, एक तो स्ट्रॉस बनाते हैं आप, ये वाले स्ट्रॉ तो वैसे आपने देखे भी हैं, एम्प्यूल बनाते हैं बेटा, सीमन एम्प्यूल्स देख रहे हैं बेटा, जैसे मेडिसिन के, लेकिन सीमन के भी एम्प्यूल बनते हैं, वायल बनाते हैं, ठीक है, और ट्यूब्स जो हैं उनमें भी आप सीमन को जो है वो उनकी कैनिंग या पैकेजिंग करते हैं, और पैलेट साथ में जो है, ये पैलेट जैसे हो गई, ऐसी पैलेट्स भी बनाते हैं। सीमन कैन बी प्रिजर्व्ड इन 3 ways फॉर द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। 3 तरीकों से बेटा आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे, अबोव फ्रीजिंग पॉइंट, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, एंड बाय यूजिंग फ्रियोन एंड शाबास, बाय यूजिंग फ्रियोन एंड हेप्टेन केमिकल्स। अबोव फ्रीजिंग पॉइंट यानी 4-37°C, यानी इससे आपको आज ये पता चला कि लाजमी नहीं कि हम सीमन को सिर्फ -196 पर स्टोर करते हैं, लेकिन इस टेम्परेचर भी स्टोर कर सकते हैं। डाइल्यूटेड सीमन शुड बी प्रिजर्व एट दिस टेम्परेचर 20-37, दैट शुड बी यूज्ड विद इन फ्यू आवर्स
एंड मे बी एक्सटेंडेड अप टू 24 आवर्स आर बिलो. कुछ ही घंटों में बेटा आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि इसको बेटा अब्दुल्ला, लेकिन ज्यादा देर आप इसको नहीं रख सकते. ठीक है बेटा, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे. डायल्यूटेड सीमन इन रेफ्रिजरेटर एट द टेम्परेचर ऑफ 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड मे रिमेन एक्सेप्टेबल फर्टिलाइजेशन रेट फॉर 3-7 डेज. अगर आप इसको 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे, लेकिन डायल्यूटेड सीमन होनी चाहिए, तो तकरीबन 3-7 डेज तक उसका वो आपको फर्टिलिटी जो है वो एवरेज दे सकती है. ठीक है, देन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट यानी डीप फ्रीजिंग आप जिसे कहते हैं, लेकिन इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, कौन सी? सो द लोअरिंग ऑफ द टेम्परेचर शुड बी ग्रेजुअली, यानी अगर आप सीमन का टेम्परेचर बेटा लो कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करना है, जल्दी ना है करनी, तकड़ ना है करनी. ठीक है बेटा, बिकॉज हेस्ट इज वेस्ट. तो द लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर शुड बी ग्रेजुअली नॉट सडनली टू प्रिवेंट कोल्ड शॉक इंजरी. ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द डीप फ्रीजिंग वो क्या है बेटा? एक तो अल्कोहल ड्राई आइस जैसे कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड -79 डिग्री सेल्सियस एंड लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस. द सडन चेंजेस इन द टेम्परेचर, ये नोट है, एंड द टेम्परेचर डिग्रीज ऑफ द सीमन हैज एडवर्स इफेक्ट. किस पर बेटा इसका एडवर्स इफेक्ट है? ओवर द स्पर्मेटोजोआ वायबिलिटी, जैसे कि कोल्ड शॉक हो सकता है. सो द प्रेजेंस ऑफ लाइपोप्रोटीन, लेसिथिन जो कि एग याक से मिलती है, एंड ग्लाइसरोल, अवॉइड दिस शॉक. तो इनकी एडिशन इसलिए ही हम करते हैं. इज इट ओके? ठीक है. डाइल्यूशन ऑफ द क्रूड सेमिन सीमन, स्टेप्स हैं बेटा ये डीप फ्रीजिंग के. ठीक है, क्रूड सीमन को आप किस तरह, अच्छा वैसे तीसरा स्टेप क्या, स्टेप्स कौन से हैं डीप फ्रीजिंग के? डाइल्यूशन ऑफ द क्रूड सीमन, कूलिंग ऑफ द डाइल्यूटेड सीमन, यानी आप डाइल्यूट किया आपने, फिर आप उसको कूल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? शाबाश, ग्लाइसरोल ऐड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे उनको अनटिल रिक्वेस्टेड, जब तक ऑर्डर आए, जैसी तहीं ऑर्डर आए, जब तक ऑर्डर आए हम उसको क्या करेंगे बेटा? स्टोर करेंगे लाला. ठीक है बेटा, और फॉर द ईयर्स लेकिन नाइट्रोजन में भले सालों पड़ी रहे, भले अरबे लो मरी वाले, पर इन वारी सीमन जेरी रही. ठीक है, मतलब वारी फ्यूचर प्लानिंग करे वही. ड्राई फ्रीजिंग बाय द केमिकल्स, तीसरा ये जो डिस्कस, तीसरा ये कौन से केमिकल्स हैं बेटा? यस, फिरोन, फिरोन ना, ठीक है, नेप्टेन मिक्सचर. जी जी, तो याद रहा था आगे. यूसेज ऑफ द सीमन, लिक्विड सीमन और कूल्ड सीमन कैन बी यूज्ड इमीडिएटली टू इंसेमिनेट. लिक्विड सीमन हो बेटा या कूल, उसको आप इमीडिएटली इंसेमिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं. डीप फ्रोजन सीमन को क्या करेंगे बेटा? यस, दैट शुड बी फर्स्ट था, उसको था करेंगे पहले बेटा. और थाइंग क्या है? एक्सेलेंट, प्रोसेस ऑफ रीसॉल्यूशन ऑफ द फ्रोजन सीमन. ठीक है, एट अ टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस फॉर अ टाइम पीरियड 30-45. शाबाश, वेरी गुड, होशियार लगा भी आओ. ये है थाइंग बेटा. ठीक है,